शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप घर पर ही बना सकते हो केमिकल फ्री नेचुरल हैंडमेड सोप्स। मार्केट में आपको हैंडमेड सोप्स लगभग कितने का पड़ता है? 250-300। लेकिन इन सोप्स को आप बना सकते हो बहुत ही कम प्राइस रेंज में। और यहाँ आज मैं आपको दिखाऊंगी टू टाइप्स ऑफ सोप। वन इज अ डिटैन सोप, क्योंकि इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है हमें। एंड द अदर वन इज ऑल्सो अ वेरी जरूरी सोप, स्क्रब सोप, है ना? मैं तो जानती हूँ आपके बिल की बात, बिकॉज वी आर अ फैमिली। तो चलिए शुरू करते खुद की सोप बनाना। तो सबसे पहले आपको लेना है हल्दी और उसे ग्रेट कर लेना है। और यहाँ से मैं 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करूंगी। और हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन। तो लेमन को हमें पहले इस तरह से छील लेना है, और इसका जो छिलका है छीलने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। इसमें से मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी ना हो तो आप सैंडलवुड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 10-12 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल। फ्रेंड्स, टी ट्री ऑयल अगर आपके पिंपल्स हैं तो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ऐड करें। अब मेन इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए सोप बेस। ये मैंने अमेजोन से लिया है। ये प्योर सल्फेट फ्री सोप बेस है। और आपको ये खरीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैंडमेड सोप को तैयार करने के लिए अगर आप चाहो तो ये वाला पियर्स का ग्लिसरिन सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये वाला सोप ग्लिसरिन से बना है, जो कि आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। चलिए अभी मैं आपको इस सोप बेस से ही दिखा रही हूँ। उसके लिए मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ मैं 2 टाइप्स ऑफ सोप बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो ये रहा मेरा सोप बेस कट कर तैयार। अब हम इसे डबल बॉयलर प्रोसेस करेंगे। तो आपको इस तरह से करना है, आपको डायरेक्टली इसे गर्म नहीं करना है। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें हमारी जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर लेंगे, और इसे हम 5 मिनट तक गर्म कर लेंगे। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लास्टिक कंटेनर्स एंड पेपर कप्स। अगर आप मोल्ड खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें ही किया है इस सोप को, और ये बहुत ही अच्छी तरह से हुआ भी है। तो हमारे जो सोप का लिक्विड है उसको हम इसमें निकाल लेंगे। अब हम इस लिक्विड को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अगर आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो इसे जमने के लिए, बट उसके लिए आपको इसे 24 आवर्स टच नहीं करना है। तो 1 आवर बाद आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसकी जो बेनिफिट्स है वो भी बताऊंगी। तो हमारा डिटैन सोप तो रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे स्क्रब वाला सोप। तो उसके लिए आपको चाहिए 10-15 बादाम यानी कि आमंड। और ये बादाम को हम क्रश कर लेंगे, और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। उसके बाद हम 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल, एंड फिर हम इसमें टी ट्री ऑयल ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपके स्किन के लिए बहुत ही सही वाला एसेंशियल ऑयल है। तो ये जो पेस्ट है वो भी बिल्कुल रेडी है। अभी हम हमारे आधे बचे हुए सोप बेस को फिर से डबल बॉयलर प्रोसेस कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद हम हमारी जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे और 5 मिनट तक गर्म कर लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे सेम जैसे कंटेनर में निकाल लेंगे। तो इसे भी हम 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और 1 आवर के बाद हमारा ये भी सोप रेडी है। तो अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं डिटैन सोप अप्लाई करूंगी।
तो सबसे पहले आप फेस को पानी से वेट कर लीजिए और उसके बाद हम इस सोप को अपने पूरे फेस पे रब करेंगे। तो गाइस, इसमें है हल्दी जो कि एंटीबैक्टीरियल है, स्किन में रैश पिंपल को हटाएगा, डिटैन करेगा, लेमन स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा, ब्राइटन करेगा एंड मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है। वैसे तो ये है फॉर ऑल स्किन टाइप, बट जो कि इसमें मैंने मिलाया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, तो जिसकी स्किन सेंसिटिव एक्ने प्रोन है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, इस सोप को आप पूरे बॉडी पे लगा सकते हो। अब मैं अप्लाई करूंगी स्क्रब सोप। तो सबसे पहले मैं फेस को वेट करूंगी पानी से और फिर इसे अप्लाई करूंगी। तो गाइस, इसमें मैंने मिलाया है आमंड्स, कॉफी, एलोवेरा जेल, कैस्टर ऑयल। ये सभी इंग्रेडिएंट आपके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन सेल को निकालेगा, स्किन को ब्राइटन करेगा एंड कैस्टर ऑयल आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देगा। और इसे भी आप अपने पूरे बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए हल्के मोशन में रब करूंगी फिंगर की मदद से, फिर पानी से वॉश कर लूंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे स्किन पे वर्क करता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। होप आपको आज का मेरा ये हटके वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप इन सोप को परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो मेरे सोशल मीडियाज में, जिसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना है मेरे वीडियोस को शेयर। किस किस के साथ आपको करना है? आपको करना है अपनी चाची, काकी, फ्रेंड, मामा, मामी, सभी के साथ। और मेरे वीडियोस में कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री 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 है। तो मिलते हो आपसे एक नई वीडियो लेके। टिल देन, टाटा बाय, टेक केयर।